नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी में। आज की डेट है 22 दिसंबर 2019। आज हम 21 दिसंबर 2019 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो पिनाका मिसाइल के बारे में है। अभी हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर से पिनाका मिसाइल का टेस्ट फायर किया है और ये पहली बार है कि ये इस मिसाइल का जो परीक्षण है वो साल्वो मोड में किया गया। अभी हम डिस्कस करेंगे कि साल्वो मोड क्या होता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि DRDO की फुल फॉर्म क्या है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और हमने अभी डिस्कस किया था कि चांदीपुर उड़ीसा से 20 दिसंबर को पिनाका मिसाइल टेस्ट की गई थी। आगे हम पिनाका मिसाइल के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। पिनाका मिसाइल क्या है? यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है और यह 72 रॉकेट्स को 44 सेकेंड में फायर कर सकता है डिफरेंट डायरेक्शन में। 44 सेकंड में 72 रॉकेट इससे फायर किए जा सकते हैं। यह एक आर्टिलरी मिसाइल है और जिसकी रेंज 75 किलोमीटर तक है। पिनाका को रूस के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया गई थी पिनाका की और भारत ने इसे 1994 में बनाया था। बस आपको केवल एक फैक्ट याद रखना है कि ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है और DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले थे साल्वो मोड बाय मोड होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें साइमल्टेनियस डिस्चार्ज फायर किए जा सकते हैं। यह इस प्रकार की एक टैक्टिक है कि इसमें जैसे हम मान लेते हैं ये है और एक बी है, ये इंडिया है और ये कोई हमारा दूसरा कंट्री है जो हमारे युद्ध में हमारे सामने है। तो साल्वो मोड अपनाया जाता है तो इसको इस तरह से अपनाया जाता है कि सामने वाले को वापसी करने का मौका ना दें। कहने का मतलब ये है कि उसको बैकअप करने का मौका ना मिले, तो इस मोड को कहते हैं साल्वो मोड। और पिनाका मिसाइल जो अभी हाल ही में टेस्ट की गई है वो साल्वो मोड की ही मिसाइल है। तो चलिए अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अगला आर्टिकल केरल के बारे में है। केरल में 2024 तक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बन के कम्प्लीट हो जाएगा, यही न्यूज़ है। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक होगा, जिसकी लंबाई 532 किलोमीटर होगी इस कॉरिडोर की। और कितने स्टेशन होंगे ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, केवल तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक ये जाएगा और 2024 में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से अप्रूवल मिल गया है। 56,000 करोड़ की लागत आएगी इस पर, 56,000 करोड़ की लागत आएगी। और जो दूरी टाइम ड्यूरेशन है वो 12 घंटे से घटकर केवल 4 घंटे रह जाएगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा तिरुवनंतपुरम और ये है कासरगोड, इनके बीच की दूरी है 532 किलोमीटर। अभी यहाँ से ट्रेवल करने में 12 घंटे का समय लगता है, इसके प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद 4 घंटे का समय लगेगा। और यह प्रोजेक्ट केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया जाएगा और इस पर जो ट्रेन चलेगी वो 200 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलेगी, यानी 200 किलोमीटर PH इसकी स्पीड होगी। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा HDFC बैंक के बारे में है। ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है कि HDFC बैंक भारत की तीसरी ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 100 बिलियन एम कैप में लिस्ट हुई है। एम कैप क्या होता है? एम कैप का मतलब होता है
मार्केट कैपिटलाइजेशन। HDFC भारत की तीसरी ऐसी कंपनी है जो 100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और TCS, ये दो पहले ही इस 100 बिलियन एम कैप को पार कर चुकी हैं। अब HDFC तीसरी इंडियन कंपनी है जो एम कैप को पार कर गई। हाल ही में पूछा जा सकता है कि ऐसी निम्न में से कौन जिसने 100 बिलियन एम कैप को पार किया है, तो HDFC आंसर होगा। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री, उसके बाद TCS। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो इंडिया ने अभी दुबई को सी रूट से फ्रेश वेजिटेबल एक्सपोर्ट किए हैं, निर्यात किए हैं सी रूट से, और इसके लिए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको अपीडा कहते हैं। अपीडा जो है हमारे कृषि से जुड़े निर्यातों को, कृषि से जुड़े पदार्थों का निर्यात करने की संस्था है अपीडा। उसके द्वारा निर्यात को प्रमोट किया जाता है और इसी ने अभी फ्रेश वेजिटेबल दुबई भेजी हैं सी रूट से। फ्रूट्स और वेजिटेबल के बारे में जो फैक्ट्स है वो आप याद रख लीजिए कि भारत सेकेंड नंबर पर है फ्रूट्स में और वेजिटेबल प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में, और पहले नंबर पर है चाइना। इंडिया 90.2 मिलियन टन्स फ्रूट्स, 160.1 टन्स वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है। ये आंकड़े 2015 और 16 के डाटा के हैं। अगला जो आर्टिकल है वो एक एक्सरसाइज है अपहरण। इंडियाज़ नेवी, भारत की नेवी ने ये एक्सरसाइज किया है। ये क्या है? ये एंटी हाइजैकिंग एक्सरसाइज है। अभी इसको कोची पोर्ट में आयोजित किया गया था। लार्ज स्केल एक्सरसाइज है और ये पहला मौका है कि जब नेवी ने और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर एंटी हाईजेकिंग एक्सरसाइज की है। और ये क्यों की गई है? इसका कारण ये है कि भारतीय जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसे सोमालियन पायरेट्स जो सोमालिया में हैं, उनसे हमारे कॉमर्शियल शिप्स को बचाने के लिए। एक मिनट, आप मैप देख लीजिए गल्फ ऑफ एडन का, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये है मेडिटेरियन सी, ये है रेड सी, जब और यहाँ पर है स्वेज नहर। यहाँ से हमारे जहाज़ यूरोप से माल लेकर आते हैं इंडिया, तो यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन और ये है सोमालिया। यहाँ ये रीजन जो है जो पायरेसी से भरपूर है। यहाँ क्या होता है सोमालिया में, शिप को लूटने वाले डकैत पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि पायरेसी यहाँ ज़्यादा होती है और इसीलिए इंडियन नेवी ने ये एंटी हाइजैकिंग एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। एक मिनट, हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ की लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, गल्फ़ ऑफ एडन किस किस के बीच में है? गल्फ़ ऑफ एडन जो है वो यमन और सोमालिया के बीच में है। ये ऊपर यमन है और यहाँ पर ये सोमालिया है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? सोमालिया, यहाँ पर जिबूती है और यहाँ पर इरिट्रिया है। तो ये तीन देश हमारे आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रेड सी नीचे और जो मेडिटेरेनियन सी ऊपर, इनको जोड़ने के लिए कौन सी कैनाल या नहर है? तो यहाँ पर नहर है हमारी स्वेज नहर। इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, RMS, R फॉर रेड, M फॉर मेडिटेरियन और S फॉर स्वेज। रेड सी को और मेडिटेरियन सी को स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर एक मिनट, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर जो यह है पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी, ये किन देशों के बीच में है? ये ईरान और सऊदी अरब के बीच में है फारस की खाड़ी। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।